टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में फेंसिंग यानी तलवारबाजी में भी भारत मेडल की उम्मीद के साथ उतरेगा। भारत की सीए भवानी देवी भारतीयों के लिए इस प्रतिस्पर्धा में उम्मीद की एक किरण बनकर उभरी हैं। 1896 समर ओलंपिक्स की शुरुआत से ही फेंसिंग इसका हिस्सा रहा है और तब से अब तक ये पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय ने इस गेम में क्वालिफाई किया है। भवानी देवी सेबर फेंसर हैं, जिनको ओलंपिक में एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग से जगह मिली है, जहां हंगरी में एक ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट बुडापेस्ट सेबर वर्ल्ड कप में भवानी ने हिस्सा लिया था। भवानी देवी का पूरा नाम चंदलवदा आनंदा सुंदररमन भवानी देवी है। उनका जन्म 27 अगस्त 1993 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। भवानी देवी की विश्व में 42वीं रैंक है और वो भारत से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। फेंसिंग में हाथ में एक तलवार होती है और ये खेल दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। ये एक स्ट्रिप पे खेला जाता है जिसकी लंबाई अमूमन 14 मीटर की होती है और चौड़ाई 2 मीटर। इस स्ट्रिप को अंग्रेजी में पीस्ट कहा जाता है। इस पीस्ट पर दो गार्ड लाइन, दो वार्निंग लाइंस और दो लिमिट या फिर एंड लाइंस होती हैं। दोनों ही खिलाड़ी एक सफेद रंग के इलेक्ट्रिक सूट में होते हैं और अगर तलवार पॉइंट्स वाले एरिया को छू जाती है तो लाइट्स जल जाती हैं और खिलाड़ी को पॉइंट्स मिल जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भवानी देवी से मेडल की आशा में भारत एक साथ खड़ा हुआ है। आप भी भवानी देवी को इस वीडियो में कमेंट करके शुभकामनाएं पहुंचा सकते हैं और इस जानकारी को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं।